आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना कमला नगर क्षेत्र की बल्केश्वर कॉलोनी में आज एक लूट की वारदात हुई है। एक गृहिणी के साथ लूट हुई है और घर में घुसकर ये लूट हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बल्केश्वर कॉलोनी से जुड़े हुए हैं, जिन महिला के साथ लूट हुई है उनके पति देवेंद्र सिंह चौहान, सुमन लता चौहान इनकी धर्म पत्नी का नाम है, और ये गुड़गावा में अपना एक कंपनी में कार्यरत हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे ये। और अधिक जानकारी आप ही से ले रहे हैं हम चौहान साहब, कैसे क्या घटनाक्रम रहा आपके यहाँ आज हुई लूट का? ये सर लगभग सुबह 5 बजे की बात है जी, और हमारी मिसेज जो है उठ करके टॉयलेट के लिए गई थी जी, तो उन्होंने देखा कि हमारे हॉल में 4 लोग थे। अच्छा। हाँ, जो कि शायद ऊपर छत वाले टेरेस के रास्ते से आए थे जी, और जैसे ये टॉयलेट करने गई जा रही थी तो भाग करके एक ने इनको पकड़ लिया और मुंह दबा लिया इनका। और इनकी गर्दन पे जो चाकू लगा दिया जी, और बोले कि चलो अंदर। अंदर जाके पहले तो हॉल की अलमारी खुलवाई, उसको देखा, उसमें कुछ नहीं मिला उनको। बोले चलो अंदर वाले कमरे में चलो, और फिर अंदर वाले कमरे की चाबी लेकर के ताला खुलवाया जी, और उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। तो सामने जो लॉकर रखा हुआ था बोले इसको और खोलो जी। तो वहाँ अंदर रूम में जो है मेरा छोटा बेटा और मेरा पोता दोनों सो रहे थे, तो पोते की गर्दन पर चाकू रख दिया, बोले इसको काट देंगे नहीं तो इसमें इसको खोलो। तो उसको खोला, उसमें से जो है सारा जेवर निकाल लिया, कैश निकाल लिया जी, और इनका मुंह दबाए रखा, तो जिसके कारण ये बेहोश हो गई और इनको छोड़ करके जो है गेट खोल करके अपना निकल गई। जो नीचे का जो दरवाजे का मेन गेट था उसका उन्होंने ताला टूट करके ताला भी साथ ले गए जी। इस तरह ये घटना हुई है। तो ये जो जेवर और नकदी वगैरह जो गई है आपके यहाँ से, ये टोटल कितनी संपत्ति वे ले गए हैं लूट कर? ये तड़के ही लूट हुई है आपके? सर 5-6 हजार रुपए तो कैश थे जी, और करीब 15-16 तोले सोना था। 15-16 तोला सोना जी। हाँ, और चांदी भी थी। चांदी कितनी थी? करीब 1.25 किलो चांदी थी। करीब 1.25 किलो चांदी थी और 15-16 तोला था, जो हमारी मदर ने जो है बनवाया था जी जी, मदर के टाइम का था जी। तो इनसे आप जरा अपनी श्रीमती जी से बात कराएंगे? हाँ जी, बात करा देता हूँ, बोलिए आप जी। आपसे हम जाने तो क्या घटनाक्रम रहा, मतलब जैसे जब आपने बदमाशों को देखा तो आपकी चीख नहीं निकली उस समय सुमन जी? तो मैं से निकल के आई तो उसने आके तुरंत मेरा गला मुंह दाब दिया, तो आवाज नहीं निकल पाई मेरी। अच्छा। हाँ, और फिर वो मुंह दवाई दवाई रखा कि आवाज निकालेगी, तो ऐसा चक्कू तो हाथ में लगी रहा था जी। तो मैं एकदम घबराहट की वजह से ना तो मेरी आवाज निकली और बस मुंह दबाए रखा उसने, तो आवाज निकल ही नहीं सकती। फिर वो अंदर कमरे में ले गया, तो अंदर बच्चे सो रहे थे, तो कह रहे कि ये अलमारी खोल खोल के दिखाओ। मैंने खोल दी, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर वो एक अलमारी में था मेरा सामान, तो मैं मने तो कर नहीं सकती क्योंकि चक्कू लग रहा था, निकल रहा था कि मैं गला काट दूंगा, तो मैं डरती मारे मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसे निकाल के दे दी। तो ले भाई तू लेगा मेरे बच्चों को मारे जी। जी, और उनके मुंह वगैरह बंधे हुए थे या खुले हुए थे?
बंद थे मुंह पे, वो नकाब से लग रहे थे। अच्छा, घाटा घाटा बांध रखे थे उन्होंने। और आपके आपका जो बच्चा सो रहा था वो जागा नहीं, वो नहीं जाग पाया उस समय जब उसने, ये दोनों बच्चे सो रहे थे वो जाग नहीं पाए, इतना सब कुछ घटनाक्रम हो गया फिर भी, मतलब सो रहे थे वो तो बिल्कुल, उन्हें कोई पता नहीं। अच्छा, उन्हें कब पता चला फिर? वो तो फिर जब मैं, मेरे को होश आया ना, मैं उठी तब मैंने जी अपनी बहू बेटा जगाए, जी बच्चे जगाए कि उठो बेटा देखो इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ, मैंने कि देखो हमारे घर में से सारा ले गए, ऐसे ऐसे बात हुई। मैंने कि मेरे को आवाज भी नहीं निकालने थी, वो कह रहे ना मेरे को जगा देते, मैंने भैया तेरे को जगा देते तो हम क्या पता चक्कू लग रहा हाथ में मार देता तेरे को। जी जी, और आपके पति कहाँ थे उस समय? मेरे पति तो गुड़गांव में थे। गुड़गांव में थे, ओके। उनके पास फोन करा जब आए वो तो। जी, तो ये रहे एक पीड़ित दंपत्ति आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में बल्केश्वर कॉलोनी में पौश कॉलोनी में आज तड़के 5 बजे घर में घुसकर 4 बदमाशों ने एक गृहिणी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 15-16 तोला सोना, करीब 1.25 किलो चांदी और लगभग 6,000 रुपए की नकदी लेकर बदमाश भाग गए और मेन गेट का ताला उन्होंने तोड़ा, वहां से निकले और उस ताले को भी लेते हुए गए बदमाश। और घर में बच्चे सो रहे थे, सुबह सुबह का वक्त रहता है, बच्चे जाग नहीं पाते हैं, परिवारजन जगाते रहते हैं, सुबह का समय ही ऐसा होता है कि नींद के आगोश में हर खासो आम रहता है, उस समय का इन बदमाशों ने फायदा उठाया है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कब तक कार्यवाही कर बदमाशों का सुराग लगा पाती है।